वेलकम वंस अगेन क्लास। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड के बारे में और हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पिछली वीडियो में हमने देखा था अबाउट, हमने न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट किया था। देखो न्यूक्लिक एसिड जो है दे आर कॉमनली, उनको कॉमनली जो है ये डीएनए और आरएनए होते हैं, और बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड को मिला के एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनता है। अब हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, तो एक पेंटोज शुगर होती है, इसके बारे में हमने देखा था डिटेल में। नाइट्रोजन बेस होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है या फॉस्फोरिक एसिड होता है। अब यहाँ से आप फॉस्फोरिक एसिड को निकाल दीजिए, उसी को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ से आप फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड को हटा दो तो वही हमारा न्यूक्लियोसाइड। एक टी और एस का फ़र्क है, टी में आप फॉस्फोरिक एसिड जोड़ते हैं और एस वाले में आप फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप का निकाल दो। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लियोसाइड इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, यानी कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस इसमें होगा। अब हमें पता है पेंटोज शुगर इसमें राइबोस भी हो सकती है, डी ऑक्सी राइबोस भी हो सकती है। नाइट्रोजन बेस इसमें आता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन आते हैं। तो ये इसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए जो लिंकेज है इसके बीच में बहुत ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सी एन सी इसके बीच में होती है। और देखिए बॉन्डिंग कहाँ होती है, बॉन्डिंग होती है कार्बन एटम वन जो पेंटोज शुगर है, यानी राइबोस बोल लो या डी ऑक्सी, दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं जो भी अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर जो भी होगा। तो पेंटोज शुगर होगा राइबोस या डी ऑक्सी राइबोस, उसका कार्बन एटम वन प्राइम हम लिखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस के कार्बन से और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो पेंटोज शुगर के कार्बन हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं, वन प्राइम, टू प्राइम, थ्री प्राइम, इस तरह से। तो इसका कार्बन एटम वन प्राइम, और जो दूसरा है नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन एटम वन, अगर पिरिमिडिन है तो वन और प्यूरिन है तो नाइन, और पेंटोज शुगर का वन रहेगा। एक मिनट हम डायग्राम में देखते हैं। देखिए ये है इसका न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, एक ये आपकी आ गई पेंटोज शुगर और एक इसमें लगा होता है नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर नहीं होगा, तो ये इस तरह से रहेगा CH2OH। और यहाँ पे अगर आपको इसको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो आप क्या करेंगे, CH2OH को हटा के यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड, बाकी सारा सेम है। तो हमने बोला कि कार्बन बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, अगर हम न्यूक्लियोसाइड की हम बात कर रहे हैं तो बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, कार्बन एटम वन और जो बेस का कार्बन, अगर प्यूरिन है तो कार्बन एटम नाइन होगा और पिरिमिडिन है तो कार्बन एटम वन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मिनट हम देखते हैं, कार्बन एटम यस नाइन, प्यूरिन का नाइन और पिरिमिडिन का वन। डायग्राम में देखिए, देखो यहाँ पे यह ये जो शुगर्स के नाम लिखे हैं ये आर राइबोस के लिए स्टैंड करता है और डी आर डी ऑक्सी राइबोस के लिए, इतना अंडरस्टूड है, आर फॉर राइबोस एंड डी आर फॉर डी ऑक्सी राइबोस। अब हमने पढ़ा था जब आप डी ऑक्सी राइबोस डीएनए बोलेंगे तो आप क्या याद रखेंगे, ए जी सी टी, और जब आरएनए राइबोस आप बोलेंगे तो टी को हटा के यू, यानी ए जी सी और यू। तो देखिए ये टी जो है डी ऑक्सी राइबोस इसके साथ अटैच है, ठीक है, डी ऑक्सी राइबोस डी आर के साथ अटैच है, ये आर के साथ अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे आर के साथ यूरेसिल अटैच है, यू अटैच है, तो यहाँ पे इसका कार्बन वन, पेंटोज शुगर की बात करें तो कार्बन वन प्राइम, और हम ये यूरेसिल क्या है, पिरामिडिन, तो पिरामिडिन का कार्बन वन, और यहाँ पे दिस इज, और ए और जी ये वाले पिरामिडिन है सारे सी टी यू, तो इसका कार्बन वन, सॉरी नाइट्रोजन एटम वन अटैच विथ वन प्राइम ऑफ द पेंटोज शुगर। और इसका जो है कार्बन नंबर नाइन, ये प्यूरिन है दोनों, ए और जी जो है वे प्यूरिन है, तो इसका नाइट्रोजन एटम जो कौन सा है नाइन, इसके साथ अटैच है कार्बन वन ही रहेगा, ठीक है, कार्बन वन ही रहेगा,
देखिए ये कार्य, यहाँ पे आप बेस कोई भी जोड़ लो, नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन भी है, पिरिमिडिन भी है। पिरिमिडिन की बात करेंगे, ये ऊपर वाले पिरिमिडिन है तो कार सॉरी नाइट्रोजन एटम बंद रहेगा, और अगर आप पिरिमिडिन प्यूरिन की बात करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम 9 रहेगा। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन एटम 9 के साथ अटैच है, ठीक है। कार्बन 1 प्राइम ऑफ द राइबोज शुगर या डी ऑक्सी राइबोज शुगर, या आप सिंपली बोलो पेंटोज शुगर, ठीक है। इतना समझ गए, देखो यहाँ से देखिए न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा होगा तो न्यूक्लियोसाइड, अगर लग जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। चलिए फिर से पीछे आते हैं हम लोग, क्या लिखा है पीछे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोसाइड के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बने, अब देखिए डिपेंडिंग अपॉन द पेंटोज शुगर इन्वॉल्व, न्यूक्लियोसाइड जो है वो दो तरह के हैं। न्यूक्लियोसाइड की हम बात कर रहे हैं वो दो तरह के हैं, राइबो न्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड भी इसी तरह से होंगे, डिपेंडिंग ऑन द पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो वो आ जाएंगे हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब हम पहले न्यूक्लियोसाइड्स की बात कर रहे हैं तो हम साइड्स को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें राइबोस यानी कि पेंटोज शुगर, ये सारी पेंटोज शुगर लगी है ना, ये पेंटोज शुगर लगी है, राइबोस भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबोस भी हो सकती है, और इसके साथ ये सारे नाइट्रोजन बेस लगे हैं। अगर हम आरएनए या राइबोस की बात करेंगे तो यहाँ पे ए जी सी यू लगता है, और अगर हम डीऑक्सीराइबोस की बात करेंगे तो ए जी सी टी लगता है, टी लगता है यू की जगह, इसमें आर आर में यू और राइबोस में यू और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस में थाइम टी, ठीक है। तो इस तरह से इसका ना, यहाँ पे देखो न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, जब हम न्यूक्लियोटाइड में बात करेंगे तो उस इसी में बस सेम ऐसा रहेगा, उसमें हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे। तो देखो अगर राइबोस में एडिनिन जुड़ता है तो एडिनोसिन, सिंपली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन जुड़ता है तो ग्वानोसिन, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन जुड़ता है तो साइटिडिन, ठीक है, और साइटोसिन पहले लगा ना तो इसका ये बन जाएगा साइटिडिन, और यूरेसिल को जोड़ो आप राइबोस के अंदर तो यूरिडिन, और सिंपली आप ए जी सी यू, कैपिटल ए जी सी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से डी ऑक्सी राइबोस की बात करें तो भाई ये डी ऑक्सी लग जाएगा, बस डी ऑक्सी एडिनोसिन लग जाएगा, डी ऑक्सी ग्वानोसिन, डी ऑक्सी साइटिडिन एंड डी ऑक्सी थायमिडिन, यूरेसिल की जगह थायमिन और यूरिडिन की जगह थायमिडिन। और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्मॉल डी एंड कैपिटल ए, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड कैपिटल सी, स्मॉल डी एंड कैपिटल टी, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, अब न्यूक्लियोटाइड की बात करें, इसको हम पहले देख चुके हैं फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। न्यूक्लियोसाइड क्या है, फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ही हैं बस एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है तो दे आर फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड। अब दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पेंटोज शुगर, इसमें है नाइट्रोजन बेस की पहले से फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो तो वो हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए इसकी डायग्राम भी हमने देख ली है, तो पेंटोज शुगर जो है, ठीक है, अटैचेस टू नाइट्रोजन बेस एट कार्बन 1 और फॉस्फेट ग्रुप एट कार्बन 5। अब देखिए डायग्राम में वो देखते हैं क्या बोलता है ये फर्स्ट वाला अपना, ये देखिए ये अगर न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे ये कार्बन 1 ये इसका 1 प्राइम है, तो बेस जो है इसके 1 प्राइम के साथ जुड़ा है, हमें नंबरिंग करनी आती है, दिस इज 1, ये 2 है, ठीक है, 3 है, ये 4 है और ये 5 जो है वो बाहर, तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5 वाले के साथ जुड़ा है और जो नाइट्रोजन बेस है वो 1 वाले के साथ जुड़ा है। देखिए पेंटोज शुगर अटैचेस टू नाइट्रोजन बेस एट कार्बन 1 एंड फॉस्फेट ग्रुप कार्बन 5 के साथ जुड़ा है, ठीक है, और नाइट्रोजन बेस कार्बन 1 के साथ जुड़ा है। अब नाइट्रोजन बेस जो है इस कनेक्टेड टू पेंटोज शुगर बाय इट्स नाइट्रोजन एटम 1। अगर पिरिमिडिन की बात करें, हमने पहले भी देखा वही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा, बस इसमें न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट लग गया है, बस बाकी सारा वैसे न्यूक्लियोसाइड की तरह रहेगा, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप लग गया। तो नाइट्रोजन एटम जो है पिरिमिडिन का सीटीयू है ये पिरिमिडिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, तो नाइट्रोजन एटम 1 के साथ। और प्यूरिन की बात करें तो डाइसाइक्लिक है ना, ट्राईसाइक्लिक है, डबल रिंग है, तो ऑब्वियसली इसमें जो नाइट्रोजन एटम है वो 9 तक चला जाता है, तो नाइट्रोजन एटम ये 9 के साथ अटैच होगा।
अब देखिए ये डायग्राम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका नेमिंग करना है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो डिपेंडिंग अपॉन द पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड जो है अगेन दो तरह के, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते जाइए और इसके नाम जो हैं वो आप देखते रहिए। देखिए अब ये बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड मैंने बोला था एसिडिक नेचर इसकी इसकी वजह से आता है, फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप की वजह से या फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, तो ये है एडिनाइलिक एसिड। अब यहाँ पे ग्वानिन को जोड़ते हो तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानिलिक एसिड, साइटोसिन को जोड़ते हो तो साइटिडिन मोनोफॉस्फेट एंड साइटिडिलिक एसिड, और राइबोस की बात करें तो यूरोसिल जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे यूरिडिन मोनोफॉस्फेट एंड यूरिडाइलिक एसिड। अब इसी तरह से देखिए आगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस बाकी सारा सेम है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, डीऑक्सी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी नेमिंग आपको बार बार देखनी पड़ेगी, अभी ईजी लग रही है लेकिन एक्चुअली क्या करना है आपको, उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। रोज़ आप 1 वीक तक रेगुलर प्रैक्टिस करो, फिर आप महीने में एक बार देखो, 2 महीने में एक बार, इस तरह से आपको रिवाइज होता रहेगा। तो नाम आपने इसके गलत नहीं लिखने हैं, अगर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं तब आपने गलत नहीं लिखने हैं। और ये डायग्राम जो है वो आपको एक्चुअली समझाने के लिए देखने, इस तरह की बहुत सारी डायग्राम मिलेंगी, ठीक है। तो आप ये वाली बेसिक याद रख लेना, ये वाली याद रख लेना, ठीक है, कि आप पहचान सको। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड द न्यूक्लियोटाइड। ये सारा हमने पढ़ लिया है, अब बस रिवीजन करनी है। देखो न्यूक्लियोसाइड, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा, इसमें लगा, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, सिर्फ इतना, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड लग गया तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए ये जो है इंटरमीडिएट सब्सटेंस है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पहले ये बनेगा, फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और ये क्या है, बेसिक यूनिट है हमारे न्यूक्लिक एसिड की। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए से पढ़ रहे थे, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिक यूनिट है। अब ये जो है देखो, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ये एसिडिक इंटरेक्शन एंड दे आर बेसिक इंटरेक्शन, वही सारा रिपीट किया, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिफरेंस आएगा अगर, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और भी पॉइंट्स आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड में इसकी कार्बन एटम की आप पोजीशन दे सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप पे लगा होता है, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो वो कौन से ग्रुप के ऊपर अटैच हो जाएगा, लेकिन बेसिक डिफरेंस जो थे वो इसमें यही थे, ठीक है। तो इसको हमने कंप्लीट किया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को, हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लिक एसिड को पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पे पहुँच गए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। हमने न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट किया था, तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमें कंप्लीट पता होना चाहिए, पता चल गया है अब हमें, अब आपने बार बार इसको रिवाइज करना है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। थैंक यू क्लास।